हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं सूजी और आलू से चटपटा नाश्ता और हेल्दी भी और बहुत झटपट बनने वाली ये नाश्ता है। तो यहाँ पे हमने लिया है मिक्सी का जार और जार में डाल देते हैं एक कप सूजी, बस एक कप सूजी डालने के बाद हम यहीं पे डाल देते हैं आधा कप पानी। पानी को डालने के बाद यहाँ से पे हम मिक्सी के जार में पीस लेते हैं। तो फाइन पेस्ट हमारा बन के तैयार हो गया है और यहीं पर डाल देते हैं एक कप उबला आलू, जितना सूजी उतना ही आलू, दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे हम डालने के बाद चला लेते हैं मिक्सी में। इसको भी हमें पेस्ट बनाना है। दोनों को बराबर से हमने अच्छे से पीस लिया है, आप देख सकते हैं। थोड़ा मोड़ा है गुठली तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। बाउल में अच्छे से हम निकालेंगे इस नाश्ते को और झटपट ब्रेकफास्ट में या बच्चों को स्कूल जाने के लिए आप बना सकते हैं, लंच बॉक्स में देने के लिए बहुत ही परफेक्ट ये नाश्ता है और झटपट बनके तैयार होगा। तो चलिए यहाँ पे अच्छे से हम यहाँ पे मिला लेते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल गुठलियाँ ख़त्म हो गई हैं और यहीं पर डाल देंगे एक कप प्याज, लंबे लंबे स्लाइस में हमने काटा है, और हरी मिर्च को भी यहाँ पर डाल दिए हैं। और डालने के बाद यहीं पे डाल देते हैं आधा कप टमाटर बारीक बारीक काट के, और यहाँ पे एक चम्मच चिली फ्लेक्स डाल दिए, और डाल देते हैं जीरा छोटे चम्मच से एक चम्मच। जीरा का स्वाद बहुत अच्छा आता है इसीलिए डाल रहे हैं। यहीं पे डालेंगे हम थोड़ा सा सोडा, बस केवल दो चुटकी, और हल्दी डालेंगे बस थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, लाइट कलर हो जाए इसके लिए। और यहीं पर डाल देंगे छोटे चम्मच से लाल मिर्च का पाउडर। अगर बच्चों के लिए आप नाश्ता बना रहे हैं तो लाल मिर्च का पाउडर न डालें, और नमक अपने स्वाद के अनुसार डाल दिए हैं, और आधा नींबू का रस। नींबू डालने से क्या होता है, नाश्ता टेंगी सा लगता है, हल्का सा खट्टापन आता है तो अच्छा लगता है स्वाद। तो चलिए यहाँ पे सभी को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं चम्मच से। 5 मिनट तक इसको हम अच्छे से मिलाएँगे ताकि जो हमारा नाश्ता है बिल्कुल हल्का हो और प्रॉपरली हो। तो देखिए नाश्ता को हमने अच्छे से मिला लिया है बेटर को। बेटर को मिलाने के बाद यहाँ पे 10 मिनट के लिए हम यहाँ पे छोड़ देंगे, रेस्ट कर ले और अच्छे से बेटर खिल जाए। तो यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं। चलिए इसको हम और 2 मिनट लिए चला लेते हैं अच्छे से। तो अब चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे रख दिया है पैन, पैन में डाल देंगे हम रिफाइंड तेल। आप कोई सा भी तेल खाते होंगे, बटर में भी बना सकते हैं। और यहीं पे डाल देते हैं छोटे चम्मच से राई एक चम्मच, छोटे चम्मच से जीरा। क्रकल होने के तक इसको हम भून लेते हैं। तो जीरा और राई हमारा यहाँ पे अच्छे से क्रकल हो गए हैं और नाश्ता को हम इसी में डालते हैं। आप चाहें तो छोटे छोटे पीसेज में इसको बना सकते हैं, लेकिन मैं एक पीस बड़ा साइज का बना रही हूँ और इसमें से 2-3 लोगों के लिए नाश्ता अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे डालने के बाद आज का फ्लेम बिल्कुल हल्का करेंगे और थोड़ा सा लाल मिर्च के पाउडर से हम यहाँ पे ट्विंकल कर देते हैं, अच्छा लगता है देखने में। और 2-3 मिनट के लिए इसको हम ढक देते हैं कवर से और बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे 2-3 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं सूजी और आलू हमारा बढ़िया से पक गया है एक साइड। अब इसको चलिए हम अच्छे से पलट लेते हैं, आराम आराम से निकालेंगे, किनारी किनारी को हम छुड़ाएंगे पलटे से। तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे बहुत बड़े साइज का है, पलटा से टूट जाएगा। तो चलिए हम इसको एक प्लेट में पलट लेते हैं। तो ये देखिए नाश्ता हमारा बिल्कुल बढ़िया से बनके तैयार हो गया है। आप चाहे सुबह के चाय के साथ या शाम के नाश्ते में इस रेसिपी को बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बनके तैयार होंगी। आप चाहे तो छोटे छोटे पीसेज में इसको बना सकते हैं, लेकिन मैं एक ही बड़ी साइज़ का बनाती हूँ और इसको अच्छे से छोटे छोटे पीसेज में कट कर देती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बनके नाश्ता तैयार हुआ है। तो मैं आपको एक पीस उठा के दिखाती हूँ। ये देखिए, अगर मेरी रेसिपी आज की पसंद आए आपको तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।